हेलो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं या कोई भी विंडोज़ यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और आप विंडो के अंदर कोई विंडो चलाना चाहते हैं, जैसा कि मान लीजिए आप 7 यूज़ करते हैं, 10 चलाना चाहते हैं, विस्टा यूज़ करते हैं, एक्सपी चलाना चाहते हैं, 10 यूज़ करते हैं, 8.1 या 8 चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया वीडियो है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। ओरेकल VM वर्चुअल मशीन के नाम से आपको नेट पे मिल जाएगा। वर्चुअल बॉक्स को आप डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप डबल क्लिक करके खोलेंगे तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई पड़ेगी। ये इसकी वेबसाइट भी है www.virtualbox.org। आप डायरेक्ट इस पर जाकर लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों को बताते हैं, न्यू पर क्लिक करिए। कैसे न्यू विंडो चलाना है, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, MyOS इस टाइप का, या आपको जो मन चाहे वो इसका नाम दीजिए। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी अपना नाम, जो आपका नाम हो शॉर्ट में या फुल। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर आप अदर वर्जन लिनक्स या कोई भी मैक ओएस जो एप्पल का वर्जन है, अगर कोई लेना चाहते हैं इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप ले लें। पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में ज़्यादातर, तो माइक्रोसॉफ्ट लगा रहने दीजिए। आप विंडोज 7 चलाना चाहते हैं तो 7 लगा रहने दीजिए, XP चलाना चाहते हैं, जो भी चलाना चाहते हैं। बहरहाल उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से रैम ले लीजिए, मेमोरी साइज, यानी आपके उसमें 2 GB रैम है, 3 GB है, 8 GB है, 16 GB है। तो आप मेमोरी कार्डिंग 7 के लिए 1.5 GB 2 GB चाहिए, तो आप 1.5 से 2 GB यहाँ पर से सेट कर लें। 10 से 24 का 1 GB होता है, तो आप 2 GB लेना चाहें ले लें, उससे कम लेना चाहें जैसे लेना चाहें। लेकर आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। मेरे उसमें 6 GB रैम इंस्टॉल्ड है, तो मैं लगभग 2 GB ले लेता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करिए, जो नाम दिया आप, यहाँ नाम शो होगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह का आ जाएगा। तो आपके पास iOS जो इमेज फाइल होती है विंडोज़ की, वो होना चाहिए। आप सेटिंग पर जाइए और यहाँ पर स्टोरेज पर जाके ये डिस्क टाइप बनाए, इस पर डिस्क पर क्लिक करके यहाँ से डिस्क लगा दीजिए। जैसे ये लगी हुई तो विंडोज 7 अल्टीमेट लगी हुई ऑलरेडी है, आप चूज़ करा लीजिए जहाँ फाइल पड़ी हो, वहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो यहाँ शो करने लगेगी, ओके कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। अगर आप स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और आप विंडो इंस्टॉल करके इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन में इसी तरह पूरी आपका चलेगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाएंगे। तो दोस्तों आप ये करके देखिए, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।